हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू का हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस हलवा को आप व्रत त्योहार में फलाहार के रूप में भी ले सकती हैं। आलू में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो आपको दिन भर की एनर्जी देगा। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस हलवा के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज के सफ़ेद आलू लिए हैं। आप चाहे तो लाल आलू से भी इसे बना सकते हैं। इसे हम उबालेंगे, फिर छील लेंगे और फिर मैश कर लेंगे। तो फिर देखिए आप, इस तरह से मैंने इसे उबाल कर छील लिया और अब मैश कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे कद्दूकस कर सकते हो, पर मुझे मैश किया हुआ आलू का हलवा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे मैश कर रही हूँ। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी के गर्म होते ही मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। घी के साथ आलू को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे चलाएँगे। 2 से 3 मिनट चलाने के बाद आप देखिएगा, आलू जो है घी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें घी है ही नहीं। पर जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगी, आलू का कलर भी चेंज होता जाएगा और ये घी भी छोड़ने लगेगा। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आलू का कलर भी चेंज हो गया है और घी भी हल्का सा सेपरेट होने लगा है। तो यहाँ हम चीनी डाल देंगे। 1/2 कप चीनी मैंने डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम इसमें 1/2 कप दूध भी डाल देंगे। दूध भी आप चाहो तो 1 कप भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 1/2 कप ही डाल रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर ही अब हम इसे थिक हो जाने तक कुक करेंगे। जैसे जैसे ये थिक होते जाएगा, घी भी सेपरेट होते जाएगा, एकदम दानेदार आलू का हलवा तैयार होता है। इस तरीके से बिल्कुल मूँग दाल के हलवा की तरह। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब हमारा हलवा तैयार है। तो गैस को ऑफ करने से पहले इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट डालेंगे और हरी इलायची के कुछ दाने क्रश करके। मैंने यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली डाला है आलू के हलवा के साथ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। बादाम को अच्छे से हलवा में मिक्स कर लेने के बाद हम गैस को ऑफ कर लेंगे। अब हमारा हलवा तैयार है सर्व करने के लिए। इसे आप चाहो तो गर्मा गर्म सर्व करो, या फिर अगर ये ठंडा भी हो जाता है तो भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यदि आपको हमारा आज का ये रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।